आज 8 नवंबर है। 5 साल पहले यानी साल 2016 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया था और 500 व 1000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित कर दिया था। याद है आपको, यह फैसला जिस वक्त लिया था उस वक्त चलन में मौजूद करेंसी का 86% हिस्सा इन्हीं दोनों नोट का था और इस दौरान देश के बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लाइनें लग गई थी और आज तक जहन में जिंदा है। चाहे इन 5 साल के दौरान नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है, इन बदलाव को कैसे नोटबंदी से जोड़ा जा सकता है, सो आइए आज के सेगमेंट में ये सब जानते हैं। पर उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। पैतो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज जल्दी जल्दी शेयर करें। थैंक यू। नोटबंदी को डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी आने की बड़ी वजह माना जाता है। जी हाँ, जब काफी लोग नोटबंदी के फैसले को इसी तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं जबकि मूल नीति में इसका कोई जिक्र है ही नहीं। जब मूल नीति में कहा गया है कि इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो घट जाएगा, जब पीएम मोदी ने उस वक्त यानी 5 साल पहले कहा था कि बेहिसाब पैसा ही भ्रष्टाचार की असल वजह है और भ्रष्ट तरीकों से पैसे कमाने से इन्फ्लेशन बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां गरीब इस आग में झुलस रहे हैं और इससे सीधे तौर पर मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और निचले वर्ग की खरीदारी की क्षमता प्रभावित होती है। जहां आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप जमीन या मकान खरीदते हैं तो चेक से पैसे देने की जगह कैश की मांग की जाती है, इससे ईमानदार लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत भी होती है। गौरतलब है कि नोटबंदी को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के रूप में प्रचारित किया गया था लेकिन मूल नीति में लक्ष्य एकदम अलग थे। जी हाँ, चाहे नोटबंदी के दौरान सबसे बड़ा वादा सिस्टम में मौजूद बेहिसाब नकदी पर रोक लगाने का किया गया था और यह पैसा सीधे बैंक में जमा करने के निर्देश भी दिए गए थे। चाहे पीएम मोदी ने अपने भाषण में पॉलिसी का जिक्र भी करते हुए कहा था कि करोड़ों रुपए सरकारी अधिकारियों के बिस्तरों या बैगों में भरे होने की खबरों से कौन सा ईमानदार नागरिक दुखी नहीं होगा, चाहे जिन लोगों के पास बेहिसाब पैसा है उन्हें मजबूरी में इसे घोषित करना पड़ेगा जिससे गैर कानूनी लेन देन से छुटकारा मिल जाएगा। और उस दौरान काफी लोगों ने नोटबंदी के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा था। जी हाँ, वेल वी कांट रियली डिनाय द फैक्ट कि नोटबंदी से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स तो हुई है, बट देन द पीपल इन पावर से कि करप्शन को कम और एक्चुअली हटाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और जरिया है। वेल व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई डिमोनेटाइजेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक उस समय थी? व्हाट डू यू थिंक? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, कीप वॉचिंग DNP इंडिया।